पंचतंत्र की कहानी, बंदर और लकड़ी का खूंटा। एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए थे और लट्ठे व शहतीर चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए दोपहर के समय एक घंटे तक वहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चल दिए। एक लट्ठा आधा चीरा रह गया था। आधे चीरे लट्ठे में मजदूर लकड़ी का किला फंसा कर चले गए। ऐसा करने से दोबारा आरी घुसाने में आसानी रहती है। तभी वहाँ बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उनमें एक शरारती बंदर भी था जो बिना मतलब चीजों से छेड़छाड़ करता रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहाँ पड़ी चीजों से छेड़छाड़ न करने का आदेश दिया। सारे बंदर पेड़ों की ओर चल दिए, पर वह शैतान बंदर सबकी नजर बचाकर पीछे रह गया और लगा अड़ंगेबाजी करने। उसकी नजर अध चीरे लट्ठे पर पड़ी, बस वह उसी पर पील पड़ा और बीच में अड़ाए किले को देखने लगा। फिर उसने पास पड़ी आरी को देखा, उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा। उससे किर किर की आवाज निकलने लगी तो उसने गुस्से से आरी पटक दी। उन बंदरों की भाषा में किर किर का अर्थ निकट्ठू था। वो दोबारा लट्ठे के बीच फंसे किले को देखने लगा। उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा कि इस किले को लट्ठे के बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वो किले को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर आजमाइश करने लगा। लट्ठे के बीच फंसाया गया किला तो दो पांटों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ा गया होता है, क्योंकि लट्ठे के दो पार्ट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रहते हैं। बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। किला जोर लगाने पर हिलने व खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर खुश हो गया। वह और जोर से खोंक खोंक करता किला सरकाने लगा। इस दिंगा मुस्ती के बीच बंदर की पूंछ दो पांटों के बीच आ गई थी, जिसका उसे पता ही नहीं लगा। उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही किला बाहर खींचा, लट्ठे के दो चीरे भाग फटाक से क्लिप की तरह जुड़ गए और बीच में फंस गई बंदर की पूंछ। बंदर चिल्ला उठा। तभी मजदूर वहां लौटे। उन्हें देखते ही बंदर ने भागने के लिए जोर लगाया तो उसकी पूंछ टूट गई। वो चीखता हुआ टूटी पूंछ लेकर भागा। यह कहानी सुनकर करकट बोला, इसीलिए कहता हूँ कि जिस काम से कोई अर्थ सिद्ध न होता हो उसे नहीं करना चाहिए। व्यर्थ का काम करने से जान भी जा सकती।